दोस्तों, इससे पहले कि आप शरीर को ठीक करें, आपको पहले मन को ठीक करना होगा। जिस स्त्री और पुरुष को संभोग की लत लग जाए तो बिना इसके खुद को तन्हा महसूस करता है। संभोग के एक अच्छे पकवान की तरह है, जो एक समय के लिए मन तो भर जाता है, लेकिन उससे कभी मन नहीं हटता है। धैर्य करवा होता है, पर इसका फल हमेशा मीठा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार स्पर्श, चाहे कितना भी धीरे से क्यों ना किया जाए, आपको अपने पति से जोड़ सकता है और अंतरंगता को बढ़ावा दे सकता है। मनोविज्ञान कहता है, मर्द की भूख शांत करने में प्रत्येक औरत सक्षम है, जबकि औरत की हवस मिटाना सभी मर्द के बस की बात नहीं है। औरत उन पुरुषों पर लट्टू हो जाती है जो खूबसूरती की तारीफ करने में माहिर हो। उनका झूठा प्यार भी उसे सच लगने लगता है। स्त्रियों को संभोग की वस्तु समझने वाले पुरुष अपने वैवाहिक जीवन से ना खुश रहते हैं। उसे अपने संभोग लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। मनोविज्ञान कहता है, जो कपल हफ्ते में 3 से 4 बार संबंध बनाते हैं, वह स्त्री और पुरुष खुद को 7 साल से अधिक जवान महसूस करते हैं। अंधेरे का संभोग उन महिलाओं को ज्यादा पसंद होता है जो शर्मीली और शांत स्वभाव की होती है। उन स्त्रियों से दूर रहना ही बेहतर होता है जो आपको संभोग के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि वह आपको आपसे बेहतर मर्द मिलने पर कभी भी धोखा दे सकती है। किसी भी स्त्री से उसकी मर्जी के बिना संभोग पुरुष के लिए सबसे बड़ा पाप होता है, चाहे वह स्त्री आपकी पत्नी ही क्यों ना हो।